रीवा में दीवार गिरने से हुए हादसे के बाद अब जबलपुर में भी पुराने और जर्जर भवनों को गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हुआ है, लेकिन प्रशासन के इस आदेश की वजह से जबलपुर के 100 साल पुराने बिल्डिंग को गिरा दिया गया। ये बिल्डिंग कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एम्पायर सिनेमा हॉल था। अंग्रेजों के बनाए सिनेमा हॉल को फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ ने खरीद लिया था। जबलपुर प्रशासन ने लगभग 100 जर्जर भवनों को चिन्हित किया है, जिसमें प्रेमनाथ का ये सिनेमा हॉल भी शामिल था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह कैंटोनमेंट एरिया में एम्पायर टॉकीज है। ये बताया गया है कि ये रक्षा विभाग के अधीनस्थ है, उनके अंडर में है। पूर्व में स्वर्गीय प्रेमनाथ जी के द्वारा बनवाया गया, ऐसा लोगों का कहना है। और ये काफी जीवन से हालात में था और गिरने की संभावना थी, जनहानि की संभावनाओं को देखते हुए हमने ये हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी ये गिर चुका है? हाँ, पहले भी ये भवन गिर चुका है और अभी भी जर्जर हालात में था। कभी भी ये रोड के किनारे यातायात चालू रहता है और कभी भी गिर सकता था। इसी को नजर में रखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि ऐसे जीर्ण भवनों को हटाया जाए और इसी तारतम्य में आज हम इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये लगभग 100 साल के आसपास का की बिल्डिंग बनी हुई है। दरअसल इस सिनेमा हॉल को लेकर कई बातें कही जाती हैं। बताया जाता है कि प्रेमनाथ को उनके पिता ने पढ़ाई के लिए जबलपुर भेजा था। इस दौरान प्रेमनाथ चोरी छुपे सिनेमा हॉल की दीवार फांदकर छुपते हुए सिनेमा देखने पहुंचने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें टिकट चेक करने वाले शख्स ने पकड़ लिया और उन्हें चाटा भी मारा, जिससे नाराज और गुस्साए प्रेमनाथ ने टिकट चेकर को कहा था कि याद रखना, एक दिन मैं ये सिनेमा हॉल खरीद लूंगा। और कुछ सालों बाद यही हुआ, प्रेमनाथ ने ये सिनेमा हॉल खरीद लिया। लेकिन अब इस जर्जर सिनेमा हॉल को कलेक्टर के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो। बता दें कि प्रेमनाथ की 3 नवंबर 1992 को 65 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।